हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है मदित नामदे और ये मेरा चैनल है द गिटारिस्ट। आज हम सीखने वाले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, तो हम ये गिटार पे बजाएंगे पियानो तबला सबके तरफ बजता नहीं है सॉन्ग। हाँ, तो ये मैं आपको पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर आप बिगिनर हो गिटार के। तो ये गिटार होता है, इसकी 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हम इस सॉन्ग को जो बजाएंगे वो है ई स्ट्रिंग, यानी कि हमारी लास्ट स्ट्रिंग 6th स्ट्रिंग। तो इस सॉन्ग को मैंने आपके लिए इजी हो जाए इसलिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ग्रैब योर गिटार्स एंड गेट ट्यून्ड। तो पहला पार्ट जो आता है हमारा वो है 002054। जब 00 बजाते हैं मतलब कि आपको अपने 6th स्ट्रिंग जो है उसे 2 बार ओपनली ये बजाया आपने 00 फ्रेट। फिर 20 मतलब कि फ्रेट्स आते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, यहाँ तक फ्रेट्स खत्म होते हैं। ये मेरा गिटार थोड़ा छोटा है इसलिए फ्रेट्स कम होते हैं। तो हम बजाने वाले हैं आज हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो कि 4 पार्ट्स में है। तो हम चालू करते हैं। पहले फ्रेट्स आते हैं 002054। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बजा। अब हमें 00 बजाना है जैसे कि मतलब कि इसे फ्रेट ओपनली, इसे ओपनली बजाया हमने 00। फिर सेकंड फ्रेट पे सेकंड ब्लॉक जो आपका उस पर अपनी फिंगर को ऐसे टैप कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए इसे एकदम वार्मली आराम से और फिर बजाइए स्ट्रिंग को। फिर 0 एक बार ओपनली नॉर्मली, फिर फिफ्थ फ्रेट पे रखी होंगी और बजाइए, फिर फोर्थ फ्रेट पर रुक जाइए। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो हम आते हैं सेकंड पार्ट पे जो ऐसे बजता है। इसके फ्रेट्स भी लगभग सेम है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के फ्रेट सेम है, 4 जो फ्रेट्स हैं वो हैं 00 20। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, हमें 7th फ्रेट पे उंगली रख के बजाना है, फिर 5th फ्रेट पे, इससे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा। तो अब आ जाते हैं 3rd पार्ट पे जो ऐसे साउंड करेगा। तो इसके फ्रेट्स हैं 00129052। तो 00 नॉर्मली बजा लेंगे हम स्ट्रिंग को, लास्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग। फिर सीधा हम 20 ये कुछ नहीं बजाएंगे, 3rd पार्ट में हम बजाएंगे 12th फ्रेट पे, फिर 9th फ्रेट पे, फिर 5th, फिर 2nd। आप इसे काउंटिंग करते करते भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रेट कौन से नंबर पे आ रहा है आपके गिटार पे। तो ये हमारा सॉन्ग हो गया है, सॉन्ग कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 4 अभी बचा हुआ है। तो पार्ट 4 आता है 10-10 मतलब कि हमें 10th फ्रेट पे अपनी उंगली को रखकर स्ट्रिंग को 2 टाइम्स बजाना है, फिर 9th फ्रेट पे रख के एक बार बजाना है, 5, 7। अब मैं आपको एक बार और गाना बजाकर दिखाता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि आपका गाना सही ट्यून कर रहा है या नहीं।
थैंक यू फॉर दिस सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।